हे गाइस, कैसे हो आप सभी। होपफुली आप सभी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे एंड बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर और एक हमें जो सिस्टम लॉन्चर है रियलमी का, उसका अपडेट देखने को मिल रहा है। प्रीवियसली मैंने आपको बताया था रियलमी 3.0 के काफ़ी सारे डिवाइसेस में जो स्टेबल वर्जन की अपडेट है वो हमें देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट काफ़ी सारे डिवाइस, यहाँ पर सभी डिवाइसेज जो है वो यहाँ पर रियलमी 3.0 पर अपग्रेड हो चुके हैं। जैसे कि जीटी मास्टर एडिशन डिवाइस एंड जो भी एलिजिबल डिवाइस थे इस मंथ के लिए, उन सभी डिवाइसेज के यहाँ पर रियलमी 3.0 का जो अपडेट है वो यहाँ पर ऑलरेडी मिल चुका है। इस वीडियो में हम बात करने वाले जो हमें यहाँ पर नया सिस्टम लॉन्चर का अपडेट देखने को मिलने वाला, उसको आप किस तरीके से आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो एंड इसके लिए रिक्वायर वर्जन वगैरह कौन सा है। वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखना, अच्छी लगी वीडियो तो लाइक कर सकते हो, आप चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इस सिस्टम लॉन्चर की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप उसको इजीली डाउनलोड कर सकते हो। बात कर ले यहाँ पर इस सिस्टम लॉन्चर में आपको क्या कुछ नया देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पर सिंपली में आपका तो नया कुछ भी नहीं है, बट आपको यहाँ पर जो सिस्टम में थोड़ा बहुत लैग वगैरह देखने को मिल रहा था कुछ डिवाइसेज में, तो थोड़ा बहुत आपको स्मूथनेस वगैरह वो देखने को मिल जाएगा। तो इसको डेफिनेटली आप उसको इंस्टॉल करके देख सकते हो। सबसे मेन चीज़ ये रियलमी 3.0 के साथ यहाँ पर वर्क करने वाला है। एंड मेन चीज़, उससे पहले अगर आपको एप्लीकेशन नॉट इंस्टॉल वगैरह देखने को मिल जाता है, जब आप इस एप्लीकेशन को इस सिस्टम को इंस्टॉल करो आपके डिवाइस में, उस टाइम अगर आपको ऐप नॉट इंस्टॉल वगैरह देखने को मिल जाता है, तो मेक श्योर जो प्रीवियस वर्जन है आपके डिवाइस में सिस्टम लॉन्चर का, उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दो। हो सकता है आप यहाँ पर बीटा वर्जन वगैरह यूज़ कर रहे हो प्रीवियसली, तो उसको सबसे पहले अनइंस्टॉल कर दो, उसके बाद इस वर्जन को आप आपके डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हो। फिलहाल मुझे बताएं कमेंट सेक्शन में, क्या आपके डिवाइस में रियलमी 3.0 का जो अपडेट है वो आपको मिल चुका है या फिर नहीं। एंड इस सिस्टम लॉन्चर की जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, वहाँ पर मैंने कमेंट को पिन किया है, तो जाके आप चेकआउट वगैरह कर सकते हो।